मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओकओवर से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की मोबाइल प्रदर्शन वैन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सहकारी बैंक की ये पहल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता लाने और बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओकओवर से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की मोबाइल प्रदर्शन वैन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वैन प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न आधुनिक बैंक सेवाओं को प्रदर्शित कर अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय समावेशन के तहत लाने में सहायक सिद्ध होगी। ये वैन व्यवसायियों और उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील होने के अतिरिक्त लोगों में विभिन्न बैंकिंग तकनीक का प्रयोग करते समय सुरक्षा मानकों के बारे में भी जागरूक करेगी। मुख्यमंत्री ने बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से एटीएम और रुपे कार्ड से लेन देन आदि के प्रदर्शन में भी सहायता मिलेगी। ये मोबाइल वैन एटीएम, टीवी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरा, ध्वनि प्रणाली और प्रचार सामग्री से सुसज्जित की गई है। इस वैन को खरीदने के लिए नाबार्ड द्वारा 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ज्यों ज्यों टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता जा रहा है, लोग उसको आत्मसात करते हुए उसको अपना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खास तौर से इस विषय को लेकर के बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और देश भी आगे बढ़े, ऐसी उनकी कामना है। उसी दृष्टि से आज जो एक नई इनिशिएटिव के साथ एक शुरुआत हुई है, जो एक मोबाइल वैन जो अवेयरनेस की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्टिकुलरली खासतौर से जो बैंकिंग के लिए, उसमें लोगों को जानकारियां उपलब्ध होंगी और जानकारियों के साथ साथ वो इस सारी डिजिटल और इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को भी जोड़े, उस दृष्टि से एक बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देना चाहता हूं सभी हमारे बीच में अधिकारी यहां जो उपस्थित हैं, कोऑपरेटिव बैंक के हमारे चेयरमैन हैं और उनके साथ साथ में है मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, नाबार्ड के हमारे अधिकारी हैं और दूसरे बैंक से संबंधित हमारे अन्य अधिकारी जो कोऑपरेटिव बैंक से यहाँ उपस्थित हैं। उस दृष्टि से ये मोबाइल वैन ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके लोगों को आज की इस टेक्नोलॉजी के संबंध में जानकारी देंगे, प्रधानमंत्री जी का संदेश उन तक पहुँचेगा और उसके साथ साथ में जो बैंकिंग के क्षेत्र में जो नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा और पर्टिकुलरली खासतौर से जो जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो जानकारी की अगर कमी है, जानकारी का अभाव है, उन सारी बातों को आम आदमी तक जो ग्राहक है उन तक पहुंचाने के लिए ये प्रयत्न जो है बहुत सुंदर प्रयत्न है और मैं इस प्रयत्न के लिए बधाई देता हूं और मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा अवेयरनेस की दृष्टि से जो काम करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे थे उसको, उस कमी को ये पूरा करने की स्थिति में। इस मौके पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटा ने कहा कि राज्य सहकारी बैंक की मोबाइल बैंकिंग वैन सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वित्तीय समावेशन का सपना साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस बैंक के माध्यम से गांव-गांव तक जाकर बैंकिंग के बारे में आम लोगों को शिक्षित किया जाएगा और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। खुशीराम बालनाटा ने कहा कि घर द्वार पर बैंक सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ लोगों को डिजिटलाइजेशन की तरफ मोड़ना भी इसका मकसद है। के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा राज्य सहकारी बैंक की मोबाइल बैंकिंग वैन सर्विस का जो शुभारंभ किया गया है, ये प्रधानमंत्री जी का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सपना है सारे देश का और उनका ऑब्जेक्ट है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा ऐसा मैं मानता हूँ। इस वैन के माध्यम से हम गांव तक, गांव का जो गरीब, जो किसान, जो आम आदमी बैंक की ब्रांच तक नहीं पहुंच सकता, उसको हम गांव में जाकर के बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको लिटरेट करेंगे कि बैंकिंग आखिर है क्या। इस वैन के अंदर एक एटीएम की मशीन भी लगी है, हम गांव के आम आदमी को ये सिखाएंगे कि इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, इससे पैसा कैसे निकलना है और धीरे धीरे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की दृष्टि से सब
का खाता खोलना, सबको बैंक से जोड़ना एक ध्येय है सरकार का, उसकी ओर ये एक कदम है। और मैं सोचता हूँ नबार्ड में इसमें हमारी मदद की है, नबार्ड ने इसको स्पॉन्सर किया है, तो उसमें नबार्ड की भी मंशा ये है, हमारी मंशा भी ये है कि हम और भी निचले घर द्वार पर लोगों को ये सुविधा दें कि उनको बैंकिंग अपने घर पर बैठ करके करनी पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा वो कैशलेस होते चले जाएं और वो बैंकिंग का दूसरा जो सिस्टम है उसको वो ओन करें उसको। इस मौके पर राज्य सहकारी बैंक के निदेशक शेर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारी बैंक संजय गुप्ता और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।